नमस्कार। हमेशा इंसान कुछ सीखता है तो समस्याएं, अपने जीवन की समस्याओं से सीखता है। अपने जीवन में जब विपत्ति आती है ना, संकट आती है, तो कुछ नया सीखता है, कुछ नया करने का कुछ सोचता है इंसान। जब इंसान के ऊपर विपत्ति आती है ना, तो वो दिन भर, जब उसके ऊपर संकट आता है तो दिन भर सोचता रहता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या दिमाग लगाऊं, मैं ऐसा क्या करूं। इतिहास गवाह है, जब जब इंसान के ऊपर संकट पड़ा है ना, तब तब उसने कुछ नया आविष्कार किया है, कुछ नया किया है, और उस इंसान के भीतर से कुछ सर्वश्रेष्ठ निकल कर आता है, और वो भी संकट के समय, विपत्ति के समय। क्यों? क्योंकि विपत्ति के समय है ना, उसका दिमाग एक जगह ही लगा रहता है कि उस संकट को कैसे दूर करूं, किस तरह से उस संकट से मुक्ति पाऊं। मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा कि कैसे इंसान विपत्ति में, संकट में अपना सर्वश्रेष्ठ बाहर निकालता है। गूगल मैप्स के बारे में आपने सुना होगा, उसका आविष्कार कैसे हुआ, बहुत ही रोचक घटना है। अगर आप आज सुनोगे तो आप खुद आश्चर्य करोगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने भी एक लेटेस्ट एक इंटरव्यू में अपनी घटना का जिक्र किया था गूगल मैप्स के बारे में, कि इसका आविष्कार कैसे हुआ उन्होंने बताया था। एक बार सुंदर पिचाई और उनकी पत्नी को इनविटेशन मिला उनके फ्रेंड के घर पे खाना खाने का। ठीक है, सुंदर पिचाई ने कहा था, अपनी पत्नी को कहा है कि तुम यहां घर से सीधे उस दोस्त के यहां जाना खाना खाने के लिए, और मैं सीधा ऑफिस से सीधा उनके घर पर आ जाऊंगा खाना खाने के लिए। ठीक है, दोनों के बात हो गई। जब रात को 8 बजे का टाइम था डिनर करने का, पत्नी फिक्स समय पर उस दोस्त के घर पे डिनर करने के लिए पहुंच जाती। सुंदर पीछे भी अपने ऑफिस से तय समय पर डिनर करने के लिए निकलते हैं अपने दोस्त के घर पे, लेकिन क्या होता है, इत्तेफाक से सुंदर पीछे रास्ता भूल जाते और पूरे 2 घंटे उस रास्ते में घूमते रहते, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता। जब 2 घंटे बाद में अपने दोस्त के यहाँ डिनर करने पहुँचते हैं ना, तब तक सुंदर पिचई की पत्नी डिनर करके वहाँ से चली जाती है। जब सुंदर पिचई वहाँ पहुँचते हैं तो उनको बहुत निराशा और बहुत अपमानजनक फील होता है, और वो बिना खाए हुए अपने घर के लिए निकल जाते। जब घर जाते हैं तो पत्नी उनसे खूब झगड़ा करती है, कहती है कि मेरा वहाँ अपमान हुआ और आप समय पर नहीं पहुँच पाए, और खूब भला बुरा कहती है अपने पति। सुंदर पीछे बिना खाए हुए घर से भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है, वो पूरी रात ऑफिस में बिताते हैं, और ऑफिस में बिताते सोचते रहते हैं कि आखिर मैं रास्ता भूला तो भूला कैसे। उनका दिमाग घूमता रहता है। अब देखिए, उनके पास, उनके ऊपर विपत्ति आई थी, उनके ऊपर संकट आया था, उस संकट में उन्होंने सोचा और एकदम उनका आइडिया आया कि यार जिस तरह से मैं रास्ता भूला हूं, वैसे हजारों लोग रोज रास्ता भूलते होंगे और तय समय पर, तय स्थान पर नहीं पहुंच पाते होंगे। तो यार कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया लाए ना कि लोग मैप देखकर तय समय पर और तय स्थान पर पहुंच जाए। फिर ये दिमाग में आइडिया उनके आता है और सुबह वो आइडिया अपनी टीम के साथ शेयर करते हैं, लेकिन टीम को उनके आइडिया पर विश्वास नहीं होता है और हाथ खड़े कर देती है। लेकिन सुंदर पिचई को अपने आइडिया पर भरोसा होता है, अपने ऊपर विश्वास होता है कि यार नहीं, मैंने जो आइडिया सोचा है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है, मेरे जैसे लोगों के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। अपनी टीम को वापस विश्वास में लेते हैं और प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि 2005 में पहली बार गूगल मैप्स लॉन्च होता है अमेरिका में और सक्सेसफुल रन करता है। इसके बाद 2008 में इंडिया में गूगल मैप्स आता है, और आज वर्तमान में दुनिया का हर 7वां आदमी गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, सुंदर पिचई का सर्वश्रेष्ठ कब निकल के आया सामने, संकट में, विपत्ति में। जब वो विपत्ति में थे, जब वो संकट में थे, तब उनका सर्वश्रेष्ठ बाहर निकल गया। अगर सोचो, अगर वो रास्ता नहीं भूलते, इतनी सारी घटना नहीं होती, पत्नी के द्वारा उनके डांट नहीं पड़ती, तो क्या गूगल मैप्स का आविष्कार होता? नहीं।
इसीलिए जीवन में हमेशा कभी विपत्ति आए तो घबराए नहीं, जीवन में कभी संकट आए तो घबराए नहीं, उस संकट से निकलने की कोशिश करें, उस विपत्ति से निकलने की कोशिश करें, शायद उस विपत्ति में आपके लिए कुछ न कुछ बड़ा छुपा हो। सोचें कि कैसे इस विपत्ति से निकले और कैसे कुछ नया सोचें। क्यों, अगर ये सुंदर पिचाई रोज डेली ऑफिस जाते हैं, रोज घर पे आते हैं, तो क्या गूगल मैप्स का आविष्कार हो पाता? नहीं। हर आविष्कार के पीछे कोई ना कोई घटना होती है, बिना घटना के कोई आविष्कार नहीं होता है। इसलिए जीवन में दोस्तों कभी भी संकट आए तो घबराना नहीं, हिम्मत से काम लेना और अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालना, हमेशा टॉप पर पहुंचोगे। इसी के साथ आज ही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।